हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिया था कि उसे परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम है वो समझ में नहीं आता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम सिंपल फॉर्म में उसको एक्सप्लेशन चाहिए सो so वो आज मैं करने वाला हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सेस थियरम आप स्टूडेंट्स को जिस भी टाइप की हेल्प चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड ऑफकोर्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ई मेल करके बोल सकते हैं मैं जितना हो सके अपने बिजी शेड्यूल से ट्राई करूँगा आपके लिए टाइम निकालने का बट हमेशा टाइम निकलेगा ऐसा मैं बोल नहीं सकूँगा क्योंकि वी हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो सो लेट्स ट्राई आज एक्सेस थीरम करेंगे अब देखिए सबसे पहले पपडिंग एक्सेस थीरम होता क्या है ये थीरम को अप्लाई करने के लिए आपके पास ना एक लेमिना बॉडी होना चाहिए बॉडी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिना लेमिना बॉडी मतलब बॉडी एक लेयर के फॉर्म में होना चाहिए प्लेन सरफेस के फॉर्म में होनी चाहिए अगर बॉडी एकदम प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस के फॉर्म में है ठीक है तो उस बॉडी को लेमिना बॉडी कहते हैं और उसके ऊपर ही भी अपने लगा सकते हैं अदरवाइज नहीं लेमिना बॉडी के कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो सपोज अगर मैं कोई कॉइन ले लूँ कॉइन इज अ प्लेन सर्फेस ना तो कॉइन भी एक लेमिना बॉडी है ठीक है अगर कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ले लिया रेक्टेंगुलर शीट ले लिया या सर्कुलर शीट ले लिया कोई भी शीट ले लिया वो भी एक लेमिना बॉडी है तो फॉर अपलाइंग दिस थ्योरम यू नीड अ लेमिना बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सपोज मैं एक लेमिना बॉडी बना लेता हूँ ये देखो

आपको मालूम है जब बॉडी किसी एक एकस पर रोटेट करती है तो इसका हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द गिविन एक्सेस सपोज इसका जो मूमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्स एक्सेस इट इज आई एक्स अब मैं क्या करता हूँ एक्सेस को चेंज कर देता हूँ लेट्स से अब बॉडी दूसरे एक्सेस पर रोटेट कर रही है ये देखिए ध्यान से लेट्स से ये जो एक्सेस है ना ये एक्सेक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है सपोज देखो ये आप नाइनटी डिग्री बना रही है तो एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये वाई एक्सेस बोल सकते हैं उसको लेट्स अज्यूम ये एज्यूमस है अब बॉडी जो है वो वाई एक्सेस पर रोटेट कर रही है

तो Z axis जब रोटेट कर रही है लेट से इ अब ध्यान से तो एक्स और वाई एक्सेज ना वो बॉडी के अंदर से पास हो रही है एक्स एंड एक्सेस आर पासिंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी प्लेन में लाई कर रही है बॉडी के प्लेन में बट जेड axis जो है वो बॉडी के प्लेन में लाए नहीं कर रही है जेड एक्सेस इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी देखिए ये जो है ना ये बॉडी का प्लेन है इट्स अ प्लेन इन विच बॉडी लाइज तो जेड एक्सेस इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन तो जेड एक्स यूनिक है वो प्लेन uh, के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन एक्स और वाई एक्सेज आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी So, जो जेड एक्सिस है मोमेंट ऑफ एनर्श अबाउट जेड एक्सिस कैन बी डेज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ये है मेनली परपेंटिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके सी इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई लिखना है जो भी एक्स परपेटिक्यूलर दो प्लेन है यहाँ पर आप देखोगे तो जेड एक्सिस जो है इट इज परपेंटिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी जो भी परपेटिकुलटर दो प्लेन है द मूमेंट ऑफ एनर्श आर दैट एक्सेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू ओके तो यह ऐसा थियरम है अब इसका मैं प्रूफ भी आपको दे देता हूँ हाउ टू प्रूव दिस प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इस को प्रूफ करने के लिए कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप एज्यूम करो कि जो ये बॉडी है ना ये बॉडी इट्स दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स की कलेक्शन से बनी हुई है यहाँ पर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ ओके इस पार्टिकल का जो मास है लेट्स इट इज डी ओके डी ऐसे ही सारे पार्टिकल्स जो यहाँ पर है उनका मास डीएम डीएम है तो एक पार्टिकल ले लिया ये जो पार्टिकल है लेट से वो लोकेटेड पी पॉइंट पर लोकेटेड पी पॉइंट और इसके जो कॉर्डनेट है पी पॉइंट के जो कॉर्डनेट है दट इज एक्स कॉमो वाय यहाँ पर लिखे z कॉर्नर नहीं होगा क्योंकि जो ये p पॉइंट है इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन p पॉइंट एक्स वाई प्लेन है तो इसका z कॉर्नर तो होगा नहीं तो इसे एक्स एंड वाई कॉर्नर दिख है अब क्या करो फ्रॉम दिस p पॉइंट इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हालांकि देखो तो ये परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली ये परपेंडिकुलर ही है ड्रॉप किया तो ये सब एम पॉइंट पे गिरा ओके सिमिलरली पी पॉइंट से यू ड्रॉप वन मोर परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस दिस ऐसे तो ये सपोज यहाँ पर गिरा क्यू पॉइंट पर अब देखो ये आपका जो है ये ओरिजिन है वेर एक्स वाई इज एड ऑल आर मीटिंग ईच अदर ठीक है अब देखो मैंने इसके कॉर्डिनेट आपको बताया एक्स कॉमा वाई राइट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड पी से आपने इसे एम पे ड्रॉप किया ना तो दिस विल बी यूअर एक्स कॉर्डीनेट ओके और ये जो है ना दिस विल बी यूर वाई कॉर्डिनेट और पी पॉइंट को आप ओ से ज्वाइन करो ओरिजिन से सर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है आर दिस ओके तो डायग्राम मैंने ड्रा किया एक्स और वाई जो मैंने सिंबल लिखी है एक्स वाई आर इनकी जगह आप कोई दूसरी सिंबल भी यूज़ कर सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है ये एक्स है सपोज ये वाई है तो अगर ये वाई है तो डेफिनेटली ये भी वाई रहेगा ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सर सेम ना तो यहाँ पे है। अब देखिए ध्यान से अगर आपने इसका मास पार्टिकल का ले लिया डी एम यहाँ पर डी एम इज मास ना इफ आई आस्क यू दैट वाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस डीएम फ्रॉम द एक्स एक्सेस तो डी एम का जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस कितना है तो बोलेंगे वाई डिस्टेंस है ना तो ये वाई का स्क्वायर तो ये हो गया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ एनर्शा होता है एक्चुअली मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऐसे ही हम लोग सारे पार्टिकल्स के लिए अगर करेंगे राइट दिस टर्म फॉर ऑल पार्टिकल्स और फिर एड किया मतलब इंटीग्रेटिंग दिस तो इससे आपको मिलेगा मूवमेंट ऑफ़ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस स्टूडेंट्स आई होप आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक आइडिया है मूमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ये आपका आइडिया है अगर आइडिया नहीं है तो मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर मे बी वन और टू मंथ हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो उसमें पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने एक्सप्लेन किया है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है मास इन डिस्टेंस स्क्वायर तो ये भी भाई है ना मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटीग्रेट करें आई एक्स मिलेगा सिमिलरली अगर मैं फिर से यह डीएम ले लूँ और इसका जो डिस्टेंस है फ्राम वाई इफ आई आस्क यू द डिस्टेंस फ्रॉम आर एक्सिस तो बोले ये डिस्टेंस है इट इज सेम एज सो डी एम डू इंटीग्रेटिंग दिस इट विल गिव यू ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सिमिलरली जो डी एम है इसका डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितना है आर डिस्टेंस है डी एम टू आर स्क्वायर करो इंटीग्रेटिंग दिस इट विल गिव यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस यहाँ पर इंडिकेशन का मतलब है कि मैं ये सारे पार्टिकल्स जो यहाँ पर हैं इन दिस बॉडी सारे पार्टिकल्स में कंसिडर करूंगा नॉट वन पार्टिकल ओके ये तीनों बन गई आपकी क्वेश्चन राइट ओके अब जल्दी से इसका प्रूफ कंप्लीट कर लेते हैं सी ना यू कैन सी वन ट्राइंगल ओवर हेयर ट्राएंगल पी एम ओ सी द ट्राइंगल पी एम ओ इन दिस ट्राएंगल पी एम ओ इफ आई अप्लाई पैथागोरस थ्योरम पैथागो थियरमिल दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल इक्वल टू आर स्क्वायर पैथागोरस लगाने पर यही आ जाएगा ओके ना ये पैथागोरस हो गया ना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी एम डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर मैंने दोनों साइड डी एम मल्टीप्लाई कर दिया रिमेंबर डीएम एम इज अ मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल अब अगर दोनों साइड इंडिकेट कर दिया इंडिकेशन का मतलब एक्चुअली होगा कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी इंडिकेशन से पहले वो इक्वेशन मैंने सारे के लिए लिख दी और सबको फिर एड कर दिया दैट इज अग ऑफ इंडिकीग्रेशन इंडिकेशन ऑफ डी एम एक्सक्वायर करोगे देखो तो इट विल गिव यू आई वाई इंडिकेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर विल भी आई एक्स इंडिकेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर विल भी आई जेड तो ये देखिए आपका पैरपर्टिकुलर एक्स थियरम प्रूफ ही हो गया आई वाई प्लस आई एक्सल आई जेड यही आपका थियरम है सी क्लियर थीरम ऑफ पबनिक्लाइसिस थीरम ऑफ पब्नग्लाइसिस जो है वो मैंने जैसे बताया लेमिना बॉडी के ऊपर लगता है तो अभी इसको रिंग के ऊपर लगा सकते हो इस थीरम को डिस्क के ऊपर लगा सकते हो ओके okay? लेकिन स्फीयर के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि स्फीयर इज नॉट अ लेमिना बॉडी ठीक है तो आपको पता चाहिए किस बॉडी पर लगेगा किस पे नहीं लेमिना बॉडीज इस पर ही लगेगा ये ठीक है आई होप आपका डाउट क्लियर है फिजिक्स रिलेटेड कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो मुझे आई विल बी एबल टू आंसर दैट ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टिल देन बाय बाय